Assalamu alaikum students, my name is Asad Mumtaz and this is our lecture number 11 of Data Communication and Computer Networks Lab. In this lecture we will discuss about the introduction to Riverbed Modeler tool. So first of all, the objective of this lab is to introduce and install the Riverbed Modeler edition. And in outcome, student will know about the Riverbed Modeler Academic Edition and will be able to install this software. So first of all, Riverbed Modeler Edition hai kya? Theek hai, ye tool kis cheez ke bare mein hai? This tool is a sophisticated tool which is a combination of different protocols and technologies, and in this tool you can develop different type of networks by using different type of technologies. Like here you will have Cisco's equipment. Is tool ke andar aapko Huawei ka equipment bhi milega, Cisco ka equipment bhi milega, और इसके साथ साथ मल्टीपल जो रिनाउंड कंपनीज़ हैं उन सब के इक्विपमेंट्स और उन सब की टेक्नोलॉजीज़ को आप इस टूल की मदद से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ये एक बहुत ही पावरफुल सिमुलेशन टूल है, ठीक है जी. और इस टूल की मदद से जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी एक नेटवर्क डिवेलपर है जो नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली डिज़ाइन से पहले हम उस नेटवर्क की जो कोर डेमोस्ट्रेशन है वो हम इस टूल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी. कि एक्चुअल में अगर हमें एक नेटवर्क डेवलप करना है तो अगर हमने उसकी सिमुलेशन करके देखनी है और उसके रिजल्ट्स हमें रियल लाइफ के अकॉर्डिंग ही रिक्वायर्ड है तो आपका ये टूल वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी. तो इससे पहले अगर हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक टूल पैकेट ट्रेसर की, तो पैकेट ट्रेसर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सिस्को का ही हार्डवेयर देखने में नज़र आया था, ठीक है. हम सिर्फ और सिर्फ सिस्को के हार्डवेयर के ऊपर ही काम कर सकते थे, जबकि इस टूल के अंदर आपके पास लिमिटेशंस जो है ना वो नहीं है इस तरह की, ठीक है. आप इसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ और प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है. अगर उसके अंदर कोई फ्लॉज हैं तो उसको आप सिमुलेशंस के रिजल्ट्स की मदद से बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है जी. तो ये रिवरबेड मॉडलर एडिशन के मल्टीपल आप एडिशंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. बेसिक जो रिवरबेड कंपनी की तरफ से आपको इस मॉडलर के तीन एसेंशियल एडिशंस देखने में नज़र आती हैं, ठीक है. पहला जो एडिशन है इसका वो एक स्टैंडर्ड मॉडुलर एडिशन है, और इसका जो टारगेट यूज़र है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है. आपका कोई फैकल्टी पर्सन, कोई स्टूडेंट, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है. लेकिन इसको जो आपको इस ऑफरिंग को अगर आपने यूज़ करना है तो आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है. आपको इसके लिए कुछ ना कुछ रिवरबेड कंपनीज को पे करना पड़ेगा, ठीक है. सेकेंड इसका जो वर्जन आता है वो आपके पास मॉडुलर यूनिवर्सिटी का वर्जन है, जिसके अंदर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इस टूल को परचेज़ कर रही होती है, ठीक है, या लाइसेंस एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं उनको डील कर रही होती है, ठीक है जी. और इन दोनों टूल के अंदर आपके पास इसके ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है जी. आपने अगर इनकी डिटेल देखनी है तो आपके पास ये गिवन लिंक्स दे दिए गए हैं, अब इन लिंक्स के ऊपर जाके इनकी डिटेल्स को डिस्कस कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है जी. इसके बाद थर्ड आपके पास जो एडिशन आता है वो आपके पास एकेडमिक एडिशन है, जो कि हम अपने कोर्स के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है. इसके अंदर आपके पास ऑल दो कुछ फंक्शनैलिटीज जो हैं लिमिटेड हैं. लाइक अगर आपके पास लेट्स सपोज किसी दो चार कंपनीज का जो है इक्विपमेंट वो आपके पास इस टूल के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकता एकेडमिक के अंदर, लेकिन जो रिनाउंड कंपनीज है उन सब का ही आपके इसमें फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है जी. तो इसलिए इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. हम एकेडमिक एडिशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये इसका लाइसेंस आपको 6 मंथ्स के लिए मिल जाता है, ठीक है जी.
आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसको डाउनलोड करना है और देन इसको ऑनलाइन इसका लाइसेंस एक्टिवेट करना होगा। अब इसके कुछ जो मॉड्यूलर एकेडमिक एडिशन के सेलिएंट फीचर्स की हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो अगेन जो मैंने आपको पहले डेमोंस्ट्रेट किया है कि आपके पास एक सिमुलेशन मॉडलिंग टूल है ये, तो इसके अंदर आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मिल जाएगा मॉडलिंग का, जिसके ऊपर आप अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, आप अपने नेटवर्क का एक मॉडल डिज़ाइन करोगे, उसके अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक उसको डिवेल्प करोगे और देन उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स डिफाइन कर लेते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। लाइक आपने थ्रूपुट कैलकुलेट करनी है तो आप उसका स्टैट गेट कर लोगे, अगर आपको कोलिजन डिटेक्शन करनी है तो आप उसका स्टैट ले लोगे, लोड डिटेक्शन करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आपको यहाँ पे सेपरेट ग्राफ्स देखने में नज़र आ जाते हैं। ठीक है, आप उन ग्राफिकल रिजल्ट्स के बिहाफ पे मल्टीपल नेटवर्क्स का जो है वो एनालिसिस कर सकते हो और अपने नेटवर्क्स को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो ये है, इस टूल के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेटली नियर टू रियल लाइफ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है, तो इसके जो रिलायबिलिटी है इस टूल की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिमुलेशन टूल्स, तो इस वजह से भी हम इस टूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने कोर्स के लिए। उसके बाद ओवर मोर देन 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये वर्ल्ड वाइड ये टूल जो है यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो इसकी मदद से आप अपने नेटवर्क की जो R&D है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके नेटवर्क्स के अंदर कोई फ्लॉज है उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिमुलेशन एंड डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस फीचर्स ऑफ दिस टूल। सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम अपने नेटवर्क्स का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं इस टूल को इंस्टॉल कर किस तरह से करना है। तो उसके लिए मैंने आपके पास एक लिंक प्रोवाइड कर दिया हुआ है, आप इस लिंक को कॉपी करें अपने पास। इस लिंक को हम कॉपी करते हैं जी, और इसके बाद आप अपने ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पे जाके आप इस लिंक को ऐड करें। तो इसके बाद आपके पास जो विंडो ओपन होगी ये आपके पास एक साइन अप फॉर्म है। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद रिक्वायर्ड फील्ड्स में आप अपनी डिटेल प्रोवाइड करेंगे और आप लॉगिन अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एम्प्लॉयर में आप अभी फ़िलहाल क्योंकि स्टूडेंट्स मतलब अगर कोई जॉब नहीं कर रहा उसका कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉयर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेम ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट, कोर्स नेम, स्ट्रक्चर एट्सेट्रा ये आप ऐड करेंगे। सोर्स के अंदर आप किसी भी एक बुक का नेम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप एक यूनिक यूज़र नेम अपना क्रिएट करेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट आप लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, आपको जो क्रेडेंशियल्स मिलेंगे लॉगिन के वो आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर दिए जाएंगे, जो भी आप ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आप उस ईमेल में लॉगिन करने के बाद अपने क्रेडेंशियल्स को वहाँ से पिक करेंगे और लॉगिन विंडो पे आने के बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मेरे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए ऑलरेडी, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। आफ्टर लॉगिन आप अपना टूल जो है सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप डाउनलोड के टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आप लाइसेंस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करते हो। ठीक है, और उसके बाद इसको डाउनलोड करोगे। आफ्टर डाउनलोड बहुत इजी स्टेप्स हैं इसको इंस्टॉल करने के। ठीक है, आपने सिंपली जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, ये टूल जो है इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जो मेजर फोकस्ड है वो इस टूल को लाइसेंस इसका एक्टिवेट करने के ऊपर है। तो जैसे ही आपका ये टूल इंस्टॉल्ड होता है आप इसको ओपन करते हो, सर्च करने के बाद अपने सर्च बार में जाके इसको सर्च कर सकते हो। रिवरबेड मॉडलर एकेडमिक एडिशन को आप जब रन करते हैं तो रन होने के बाद आपके सामने ये विंडो नहीं आएगी फर्स्ट टाइम के ऊपर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम के ऊपर अभी आपने इसके लाइसेंस को एक्टिवेट करना है। मेरा टूल जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये ऑलरेडी लाइसेंस्ड है, इसलिए मेरे पास ये वाली विंडो अपीयर हो रही है। एनीवेज मैं इसके लाइसेंस को एग्रीमेंट को क्लिक यस करता हूँ। उसके बाद मैं आपको जल्दी से क्विकली ओवरव्यू देता हूँ कि आपने लाइसेंस को किस तरह से एक्टिवेट करना है। अगर आपके पास लाइसेंस मैनेजमेंट की विंडो पॉपअप नहीं होती तो आप लाइसेंस के टैब में जाके लाइसेंस मैनेजमेंट की विंडो को क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन को। उसके बाद ये पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी, आपने इसमें नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपके पास
एक रिक्वेस्ट लाइसेंस रिक्वेस्ट कोड जनरेट हो जाएगा। आपने इस रिक्वेस्ट कोड को कॉपी करना है, देन नेक्स्ट करें तो ये विंडो आ रही है। यहाँ पे आपके पास मांगा जा रहा है लाइसेंस अप्रूवल कोड। अब उस लाइसेंस रिक्वेस्ट कोड के अगेंस्ट आपको अप्रूवल कोड कहाँ से मिलेगा, आपने अगेन इसी पेज पे आ जाना है रिवर बेड के। यहाँ पे आपने एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करना है। एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक होने के बाद आपके पास जो फर्दर नेक्स्ट पेज आएगा, इस पेज के अंदर आपने अपना अप्रूवल कोड सॉरी रिक्वेस्ट कोड जो आपने वहाँ से कॉपी किया था उसको ऐड करना है। सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक लाइसेंस की जो है वो जनरेट हो जाएगी। आपने इस लाइसेंस की को कॉपी करना है। अगेन आप अपने रिवरबेड की लाइसेंस एक्टिवेशन विंडो पे आएंगे, यहाँ पे अप्रूवल कोड में वो कोड ऐड करेंगे और देन उसके बाद इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो है रिवरबेड टूल ये इसका लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका हुआ है। अब आप इसको क्लोज़ करेंगे और उसके बाद दोबारा से जब रिवरबेड को ओपन करेंगे तो देन आपका जो टूल है वो एक्टिवेटेड होगा। अगर किसी स्टूडेंट का ये इशू आ रहता है कि वो जब भी हर दफ़ा ओपन करता है टूल, तो इसके अंदर समटाइम ये इशू आ जाता है कि आपका पास जब भी आपने टूल को ओपन किया तो आपसे हर दफ़ा एक्टिवेशन लाइसेंस मांग रहा होता है। ठीक है जी, तो वो उस केस में आपके पास जो है ना आप इजी ये काम कर सकते हैं कि आप अपने पास ये वाली की जो है ना ये कॉपी कर लें, ठीक है, ताकि आपको बार बार ये स्टेप्स दोबारा रिपीट ना करने पड़े। अदरवाइज़ एक से दो मिनट का ही टाइम है, क्योंकि ये एक्चुअली हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन है तो इसके अंदर समटाइम लाइसेंस एक्टिवेशन के इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद इन वन और टू मिनट्स आप अपने लाइसेंस को ईजिली एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ऑल इन ऑल आपके पास रिवरबेड का इंट्रोडक्शन और उसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप अपने क्वेश्चंस को मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।